खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हापुड़ की करेंगे, जहां पर टोल प्लाजा पर जेसीबी चालक की गुंडाई सामने आई है। दरअसल पिलखुआ पुलिस का कोई भी खौफ देखने को नहीं मिला है। टोल टैक्स मांगने पर टोल बूथ में जमकर तोड़फोड़ की गई, टोल कर्मचारियों को कुचलने का भी प्रयास किया गया है। टोल बूथ पर लगे कंप्यूटर भी तोड़े गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि टोल प्लाजा से 100 मीटर पर चुजारसी चौकी भी मौजूद थी और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पूरा मामला कोतवाली पिलखुआ का बताया जा रहा है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला गुंडागर्दी का सामने आया था, तोड़फोड़ की तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है ज्यादा आपके पास? आपको बता दूं, टोल सब ये टोल छिजाची टोल प्लाजा का पिलखुआ का ये मामला है, जहाँ टोल कर्मियों को जो जेसीबी संचालक है इससे जो है टोल मांगना महंगा पड़ गया, जिसको लेकर यहाँ काफी तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो चंद कदम की दूरी पर छिजाची चौकी है, चौकी पर सूचना दी गई मगर पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद जो ये जेसीबी संचालक है, ये करीब 45 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर में इसको पुलिस ने पकड़ा है, गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि बड़ा सवाल बनता है कि सूचना के बावजूद भी करीब 4 थानों की पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई, इसके बाद 45 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने इसे आखिर धर दबोचा। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक पार्टी इसमें हरकत में आया और इस आरोपी को इसे पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल ताहिर, क्योंकि देखिए जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि किस कदर उत्पाद मचाया गया है और नुकसान किया गया है सरकारी प्रॉपर्टी का, और ऐसे में देखिए ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि हौसले इस कदर दबंगई के बुलंद है कि ना तो पुलिस का डर है और ना भय। हाँ जी, आपको बता दूं, छिजारची टोल प्लाजा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर छिजारची चौकी है और चौकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पहले से ही बनी हुई थी, जिसको लेकर आए दिन यहाँ पर मारपीट व झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके की ये घटना हुई है, हमारी टोल मैनेजर से बात हुई, टोल मैनेजर का भी कहना था जब घटना हुई उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दे दी थी, पिलखुआ पुलिस को सूचना दे दी थी और पिलखुआ पुलिस जब पहुंची जब तक ये तोड़फोड़ करके वहां से जा चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिलखुआ पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और जो दबंग है वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और फरार हो जाते हैं। इससे पहले भी कई बार यहाँ टोल कर्मियों को कार द्वारा कुचलने का भी प्रयास किया गया है, हालांकि कार चालक फरार हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस नंबरों के आधार पर उन कार चालकों को पकड़ती है और कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल ताहिर, क्या इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है? हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक कैमरे पर पुलिस अधिकारियों ने कोई बयान नहीं दिया है, हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को पकड़कर जरूर जो है एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो पुलिस का बना हुआ है उसमें डाला गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि ये आरोपी जो है पकड़ लिया गया है, मगर इसमें अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान पुलिस का की तरफ से नहीं आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।